नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। पिछले बार जब हम मिले थे तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि शिक्षा के कारक क्या क्या हैं, शिक्षा के अंग कौन कौन से होते हैं, फैक्टर ऑफ एजुकेशन। आज हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। आपको चार प्रमुख उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करना है, जिनमें पहला उद्देश्य शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य, फिर शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य और अंतिम शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य है। तो सर्वप्रथम हम लोग आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या क्या है। आत्मरक्षा अथवा अनुकूलन। शिक्षा का उद्देश्य बालक को जीवन जीने के लिए तैयार करना होता है। जीव शास्त्रियों का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से बालक को वातावरण के साथ अनुकूलन करना अथवा समायोजन करना सिखाना होता है। प्राणी शास्त्री यह भी कहते हैं कि सभी प्राणियों को अपनी परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और जो व्यक्ति अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है वही जीवित रहता है। अतः शिक्षा ही व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुकूलन करना सिखाती है। हर्बर्ट स्पेंसर जैसे प्रकृतिवादी विचारकों ने अपने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हुए सर्वप्रथम आत्मरक्षा की क्रियाओं को महत्व दिया है। इसका यही तात्पर्य है कि हम अपने जीवन को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, किन-किन कौशलों को सीख सकते हैं। इसलिए स्पेंसर ने शिक्षा को जीवन की तैयारी माना है। शिक्षा का अगला व्यक्तिगत उद्देश्य है बालक का मानसिक विकास करना। मानव की समस्त क्रियाओं के केंद्र में उसकी मानसिक शक्तियाँ ही होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य मानव मस्तिष्क का संतुलित एवं बहुपक्षीय विकास करना होता है। मस्तिष्क की समस्त क्रियाएं समायोजन, अमूर्त चिंतन, अधिगम, तर्क, सृजनात्मकता, विचार और मनन आदि उचित ढंग से विकसित हो सके, इसके लिए शिक्षा को सचेतन प्रयास करना पड़ता है। बालक अपने मानसिक विकास के द्वारा ही ज्ञानार्जन करता है। बालक के विवेक, करणीय व अकरणीय के प्रति समझ तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास मानसिक विकास पर ही आधारित होता है। मानसिक विकास से उसमें स्वतंत्र व अपूर्व चिंतन की शक्ति आती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक के मस्तिष्क से शक्तियों को विकसित करना, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही शिक्षा का अगला उद्देश्य है बालक का भाषात्मक और संवेगात्मक विकास करना। भाषात्मक विकास के लिए शिक्षा बालक में भाषाई कौशल के सभी पक्षों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का उचित विकास करना होता है। बालक के व्याकरणीय व शब्दकोशीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसका उचित विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। बालक में शब्द चयन व व्याकरणीय त्रुटि रहित भाषा का ज्ञान हो, शिक्षा के द्वारा यह कार्य किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य है भाषा के सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए बालक का विकास करना। इसके सांवेगिक पक्ष की अगर बात करें तो बालक जन्म से ही मूल प्रवृत्तियों का दास होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक के मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण उचित दिशा में करके उन्हें योग्य बनाना होता है। बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन किस प्रकार करे, शिक्षा द्वारा यह तय किया जाता है। अति संवेदनपूर्ण व्यवहार अथवा संवेगों का उचित प्रदर्शन न कर पाना दोनों ही बालक के व्यक्तित्व के लिए नकारात्मक है। अतः शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बालक के नकारात्मक पक्ष से उबार करके उसके संवेगों का उचित मार्गांतरीकरण करके उसे सही दिशा प्रदान करे। शिक्षा का अगला व्यक्तिगत उद्देश्य है ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन के उद्देश्य का अर्थ है प्राचीन काल से ही आदर्शवादी संप्रदाय के विद्वान शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन अर्थात विद्या के लिए विद्या मानते हैं। इनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दांते, कमेनियस, बेकन इत्यादि उल्लेखनीय है। कमेनियस का तो यहाँ तक मानना है कि आदर्श शिक्षा का कर्तव्य है कि वह बालक को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करे और जब विद्यार्थी विभिन्न विषयों के ज्ञान में पारंगत हो जाता है तभी शिक्षक का कर्तव्य पूरा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य की प्रगति का आधार है। इसके बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। इसके द्वारा ही बालक का मानसिक विकास संभव हो पाता है। ज्ञान ही मनुष्य को
विचारों एवं भावनाओं को अनुशासन में बनाए रखने और संगठित करने में सहायता देता है। इसके द्वारा ही मनुष्य अपने व्यवसाय में संस्कृति तथा सभ्यता की उन्नति करने में सफल हो सकता है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य साधन संपन्न बन सकता है, उसकी शक्ति और आनंद के द्वार खुल सकते हैं। उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में अनुकूलन करने के लिए भी ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान संस्कृति व सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य भौतिक और अभौतिक संस्कृति को सीखता है। इसलिए शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बालक में ज्ञान अर्जन की क्षमता का विकास करे। इसके साथ ही साथ ज्ञान राज्य का दृढ़ आधार होता है। सुकरात ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता है। ज्ञान समझदारी के साथ साथ विवेक है, व्यवसाय के साथ साथ शक्ति है, दया के साथ साथ भलाई है और धर्म के साथ साथ सद्गुण है, जीवन और शांति है। फेरार के इस कथन के कारण ही हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा ज्ञानार्जन की उद्देश्य की पूर्ति होती है। शिक्षा का अगला व्यक्तिगत उद्देश्य है बालक का आर्थिक विकास करना अथवा जीविकोपार्जन का उद्देश्य प्राप्त करना। बालक अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करने के पश्चात जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो अपने पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए उसे आर्थिक रूप से संपन्न बनाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा द्वारा हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान करके उसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करके तथा प्रशिक्षण दे करके उसे स्वावलंबी बनाया जाता है। बेसिक शिक्षा योजना में हस्तशिल्प की शिक्षा द्वारा तथा जान डीवी द्वारा करके सीखने का प्रत्यय दिया गया है, वह इसी विकास पर आधारित है। शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती है। बालक को विभिन्न कौशलों से युक्त करके स्वावलंबन की भावना विकसित करना शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य है। जीविकोपार्जन के उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक बालक को किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह भविष्य में अपनी जीविका कमा सके, देश और समाज की प्रगति में सहायक हो सके और अपनी दाल रोटी अथवा आजीविका चला सके। जीविकोपार्जन अगर किसी बालक में नहीं हो पाएगा तो वो आजीवन कष्ट उठाता रहेगा। डीवी ने भी इसके संबंध में अपना विचार दिया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आजीविका नहीं चला सकता तो गंभीर रूप से भय है कि वह अपने चरित्र का पतन करे और दूसरों को हानि पहुंचाए। संस्कृत में एक कहावत भी है कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम हारात काहम न करा कुकुरम, अर्थात जब तक व्यक्ति भूखा है वह किसी भी पाप को करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होनी चाहिए। गांधी जी के इस कथन के द्वारा भी हम जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पुष्टि कर सकते हैं। इससे देश में बेरोजगारी की स्थिति नहीं आती है और देश को एक कुशल श्रमिक मिलते हैं। शिक्षा का एक अन्य वैयक्तिक उद्देश्य बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। बालक का उचित नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना बालक का मानसिक विकास उसे अधिक महत्वपूर्ण है। बालक को शिक्षा के द्वारा शुभ अशुभ करणी अकरणी आदि की जानकारी होती है जिससे वह श्रेयस्कर मार्ग का चयन करके अपनी आदतों का निर्माण करता है। यही आदतें उसके नैतिक चरित्र का निर्माण करती हैं। शिक्षा द्वारा बालक के गलत आदतों का परिष्करण करके उचित मार्ग प्रशस्त किया जाता है। रेमंड ने भी कहा है कि शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य मांसपेशियों का बल नहीं, ज्ञान की पूर्णता नहीं, भावना का परिमार्जन नहीं, बल्कि चरित्र एवं पवित्रता का निर्माण करना है। चरित्र का अपना विशिष्ट महत्व है। चरित्र ही मनुष्य में और पशु में अंतर बताता है। सामाजिक जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण है। यही हमारी सुदृढ़ इच्छा शक्ति का आधार होती है और बड़ी से बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता देती है। चरित्रवान व्यक्ति सदा ऐसे कार्य करता है जो व्यक्तिगत दृष्टि से लाभप्रद तथा सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होते हैं। हर्बर्ट ने भी चारित्रिक विकास के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानते हुए कहता है कि शिक्षा की समस्त समस्या केवल एक शब्द नैतिकता के अंतर्गत लाई जा सकती है। शिक्षा का एक अन्य वैयक्तिक उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास है। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम लक्ष्य कहें
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधी जी ने भी शिक्षा के इस लक्ष्य को महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से विकसित करने के साथ ही उसके आध्यात्मिक विकास करने का कार्य करती है। बालक के स्वयं के समझने हेतु, अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझने हेतु तथा आध्यात्मिक विकास के साथ साथ विश्व के मौलिक विचारों की संरचना को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आध्यात्मिक विकास द्वारा बालक अपने और जगत के बीच के संबंध को उचित प्रकार से समझ सकता है। कई सारे वाद जो शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, उन्होंने अपने शिक्षा के अंतिम लक्ष्य को आत्म का प्रदर्शन, प्रकृति के साथ समायोजन, बालक का सामाजिक विकास, उसका भौतिक विकास रखा है। परंतु अगर हम शिक्षा के सर्वोत्तम लक्ष्य की तरफ बात करें, तो बालक का आध्यात्मिक विकास ही उसका अंतिम उद्देश्य हो सकता है। सभी भारतीय दर्शनों ने मोक्ष को बालक का अंतिम उद्देश्य माना है। जीवन का हमारे अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही समस्त भारतीय दर्शनों का अंतिम लक्ष्य है। शिक्षा का अगला व्यक्तिगत उद्देश्य बालक में आत्माभिव्यक्ति एवं आत्मानुभूति की प्राप्ति कराना है। आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिकों ने दिया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना होता है। सभी आधुनिक विचारकों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अभूतपूर्व होता है। उसमें कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। उसका बाह्य प्रकटन शिक्षा का उद्देश्य है। रूसो सहित सभी प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षा का केंद्रीय लक्ष्य इसे ही स्वीकार किया है। बालक की इंद्रियों को प्रशिक्षित करके उसकी शक्तियों को पल्लवित पुष्पित करना होता है। बालक अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए उसे पर्याप्त अवसर प्रदान करना होता है, जिससे उसके बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप वह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करता है और जिसमें उसकी रुचि सर्वाधिक होती है उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ने में सहायता की जाती है। इस प्रकार बालक अपना अभिव्यक्ति उस कला के माध्यम से कर पाता है। इसी प्रकार आदर्शवादी चिंतकों का मानना है कि बालक का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए वह आत्मानुभूति होना चाहिए। प्राचीन भारतीय संकल्पना में धर्म, अर्थ, काम के उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति माना जाता था। समस्त भारतीय दर्शनों का यही सर्वोच्च लक्ष्य है। पाश्चात्य चिंतन प्रणाली में आदर्शवाद की मान्यता है कि मानव जन्म के पश्चात से ही अपने को जानना व समझना चाहता है। उसके कुछ मौलिक प्रश्न होते हैं जिनका वो उत्तर प्राप्त करना चाहता है, यथा मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है, जन्म के पश्चात मेरा जीवन कैसा होगा आदि। वह सत्यम शिवम व सुंदरम के उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। इस प्रकार वह स्वानुभूति या आत्मानुभूति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के स्वयं के लक्ष्य से इतर नहीं हो सकता। अतः शिक्षाएं अपने अलग अलग साधन व लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात अपने साध्य लक्ष्य आत्मानुभूति की प्राप्ति की तरफ बढ़ती हैं। अब्राहम मैस्लो ने भी अपने हायरार्की में, अपने मांग के सिद्धांत में आत्मानुभूति को सबसे ऊंचा लक्ष्य माना है। इस प्रकार शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में हमने चर्चा किया। शिक्षा का अंतिम व्यक्तिगत उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। जीवन को संपूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य शिक्षा का अंतिम व्यक्तिगत उद्देश्य है। इस प्रकार शिक्षा बालक को अपने सभी पक्षों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। बालक अपने जीवन के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, कलात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक का विकास करके एक दिव्यता को प्राप्त करता है, जिसकी संकल्पना महर्षि अरविंद ने अपने मनस की संकल्पना में किया है। शिक्षा के द्वारा जीवन के सभी अंगों का विकास करती है। व्यक्ति को पूर्णता की तरफ किसी एक क्षेत्र विशेष में वृद्धि न करके उसका सर्वांगीण विकास करती है। स्पेंसर का भी मानना है शिक्षा को चाहिए कि वह हमें बताए कि हम शरीर के प्रति कैसा बर्ताव करें, मन के प्रति कैसा बर्ताव करें, किसी प्रकार अपने योजनाओं का प्रबंधन करें, किस प्रकार नागरिक के रूप में बर्ताव करें, किस प्रकार सुख के उन प्रसाधनों का उपयोग करें जो प्रकृति ने प्रदान किए हैं, किस प्रकार समस्त शक्तियों को अपने दूसरे के उच्चतम हित के लिए प्रयोग करें। इस प्रकार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य
जो व्यक्तिगत रूप से हम देखते हैं, बालक के जीवन को संपूर्णता प्रदान करना है। इस प्रकार आज के इस चर्चा में हमने शिक्षा के व्यक्तिगत